बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट से आपको आगाह करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी के एग्ज़ाम, पीपीएससी के बारे में। पीपीएससी ने आज कोई भी रिजल्ट आउट नहीं किया, ना फाइनल का, कोई मेरिट लिस्ट कुछ भी नहीं किया। तो ये रिज़ल्ट और ये फाइनल और जो रिटर्न रिज़ल्ट हैं और फाइनल हैं, ये इंशाल्लाह कल ज़रूर आएंगे, क्योंकि कल वीकेंड है। उसके बाद पीपीएससी ने फिर आपको पता है पेपर लेना है 10-11 को। प्लानर भी अपडेट नहीं हुआ। प्लानर अगर पेपर पीपीएससी ने 23-24 अगस्त को लेना है तो जनाब याद रखिएगा, कल प्लानर हर हाल में अपडेट हो जाएगा। और अगर पीपीएससी का इरादा नहीं है तो फिर मेरिट भी पॉसिबल, थोड़ा सा तो वो जो है मतलब प्लान चेंज भी हो सकता है। बट मेरा ये ख्याल है कि प्लानर जो है अपडेट हो जाएगा, और प्लानर बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। और ये कल का दिन जो है बहुत अहम है, अहम दिन होगा, ठीक है। इसलिए आपको भी वेट करना चाहिए ताकि पीपीएससी की कोई ख़बर अच्छी है उसके बाद जाके जो है प्रॉपर हम वो कर सकें। इसके बाद जनाब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पीपीएससी की जो है आपको पता है कि 11 अगस्त को जो है पेपर हो रहा है पीपीएससी का, जो कि ये वाला है जनाब प्लानर म्यूनसिपल ऑफिसर का। इसमें देखें जी, 126 सीटें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 126 हैं लेकिन प्लानर पे 23 हैं। तो जनाब याद रखिएगा, ये सीटें कम कर दी गई थी। और इसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन छोड़ दें बिल्कुल, मेरिट जनाब बनेगा इस पोर्शन के अंदर से। तो 65 से ज़्यादा नहीं बनेगा, 60 से 65 के दरमियान मेरिट जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। इसमें सिंपल बी एस फोर ईयर और ये सारे बंदे एलिजिबल थे। ज़रूरी नहीं है कि एमबीए, ये इनको तो मतलब है कि वो किस्म का वो या मतलब डिग्री दे दिए। बहरहाल जनाब, इंशाल्लाह ताला ये सारे बंदे एलिजिबल हैं और ये आप तमाम लोग इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी के आज उन्होंने अपडेट किया है दो एक चीज़ को, सेक्रेटरी चीफ लाइब्रेरियन का जॉब डिस्क्रिप्शन को। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब भी वही हैं। पीपीएससी की जनाब एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 मौजूद है, इसमें कुछ अच्छी जॉब मौजूद हैं। और तमाम वो स्टूडेंट 9 अगस्त यानी कल लास्ट डेट है इसकी, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 है, जो कि इसकी जो लास्ट डेट है वो जनाब 15 अगस्त है। अब पीपीएससी की ऐड आ जानी चाहिए, क्योंकि पिछले संडे को भी कोई ऐड नहीं आया, तो लिहाजा उम्मीद है कल आ जानी चाहिए अच्छी सी ऐड, क्योंकि लोग बहुत वेट कर रहे हैं और लोगों का टाइम भी जा रहा है, लोगों की एज ज़्यादा हो रही है। इसके बाद फेडरल की हम बात करें तो फेडरल की जनाब ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको पता है कि मौजूद है, एडवर्टाइजमेंट नंबर फेडरल की मौजूद है, जो कि आपके सामने यहाँ पे व्यू ऑल कर देते हैं। चलें यहाँ से ओल्ड वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जनाब एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 मौजूद है। इसके अंदर जो सीटें आई हुई हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की, उसमें बीएड ज़रूरी है। तो अगर आपके पास बीएड होगा तो फिर आप ईज़िली जो है उसमें कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने याद रखना है। इसके अलावा एफपीएससी के जो जितने पेपर हुए हैं, जैसे आईबी का पेपर हुआ है, एडी एएसएफ का हुआ है, इंस्पेक्टर एएसएफ का हुआ है, इन तमाम के जो रिज़ल्ट है ना वो तकरीबन 7-8 महीने के बाद आएंगे, ठीक है। जिनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उस रिज़ल्ट आने के बाद फिर 2-3 महीने बाद होगा, यानी इनका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। और लेकिन यह है कि बहुत ही काबिल लोगों को हायर किया जाता है। ये बंदा ना कहे कि जनाब वाला इतने लेट होने का मकसद ये नहीं होता, बल्कि वो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके अंदर जनाब वो प्रॉपर लोगों को छीन बीन करते हैं कि जनाब किस तरह एक बंदे ने लिखा है, क्या उसकी वर्डिंग है, ये सारी चीज़ चेक की जाती है। लिहाजा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पीपीएससी का प्लानर जो है इंशाल्लाह कल तक अपडेट। इसके बाद एक बहुत अहम बात, लिटरेसी मोबिलाइजर की जो सीटें हैं वो जनाब आपको पता है कि 394 थी, वो जनाब कम करके 265 हो गई हैं, और उनका टेस्ट जो है सितम्बर के आखिर में या सितम्बर के मिड में जाके प्लान होगा, उसकी भी आप तैयारी करें। चलो 265 सीटें हैं, काम नहीं है, बहुत सीटें हैं, ठीक है। तो आप तमाम स्टूडेंट को जनाब अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। 394 सीटों में से 129 सीट लोग जो अदालत में गए थे, अदालत ने उनको रेगुलर करने का हुक्म दिया है, तो इसलिए उनका जो है मतलब है कि वो सीटें काम हो जाएंगी। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की। इसके अलावा जनाब जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी असिस्टेंट एसएन गार्ड की, हमारा जनाब फ्री सेमिनार है 11 अगस्त को संडे को। तो आप तमाम स्टूडेंट जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में अंदर, इसको ज्वाइन कर लें ताकि आप भी उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।